तो ऐसा कहना एकदम गलत होगा कि विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, उसकी रफ्तार को और हम बढ़ाएंगे और सही दिशा में विकास को लेकर के जाएंगे हम। तब पर भी यहाँ के लोगों का दिल इतना बड़ा है, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे सरदेव जोहर साहब बिहार से बाहर के थे और जेल में रहते हुए यहाँ के लोगों ने अपार बहुमत से उनको जिताने का काम किया। तो काम कौन कर सकता है इस बात की बात यहाँ की जनता करती है, ना कि कहाँ के लोग। 200% आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एक समय था जो यहाँ से पटना जाने में लगभग 4 से 5 घंटा समय लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी तो आज आप 1 से 1.5 घंटा में पटना पहुँच सकते हैं। बदला गया ऐसी नहीं है, प्रत्याशी बदलना तो ये नहीं कि फेल होने से ही बदला जाता है। हमारे पूर्व के प्रत्याशी को कोई बड़ी जवाबदेही, कोई बड़ी भूमिका में उनको उतारने की हमारी पार्टी की योजना है, इसलिए इस स्थान पर इनको उम्मीदवार बनाया गया है। आगे आने वाले दिनों में हमारे सांसद बनने के बाद सांसद महोदय का भी ये पहला काम होगा कि ये हवाई अड्डा के लिए होंगे, जमीन बिहार सरकार से, हम भी बिहार में सरकार। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहा है, मेरा नाम है आदित्य। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से नए सांसद के उम्मीदवार आज भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां इस दौरान उन्होंने शहर के विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो है बातचीत की, समस्याओं को लेकर के सभी लोगों से बातचीत की और पत्रकारों से रूबरू होते हुए जो भाजपा के नए उम्मीदवार है डॉक्टर राजभूषण निषाद, उन्होंने साफ साफ कहा कि आने वाले समय में जल्द ही इसका निष्पादन किया जाएगा। क्या कुछ कर रहे हैं जो भाजपा के नए उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद है, पहले आप सुनिए। बाहरी प्रत्याशी के तौर पर पहचान बन रही थी क्या, इसी के कारण मुरौल के जगह को अपने सकरा का प्रखंड दिखाते हुए स्थानीय साबित करने का प्रयास किया अपने बायोडाटा में? एक्चुअली मेरा वहाँ बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, त्रिनेत्र फ्लावर मिल है और उसी कैंपस में मैंने आवास भी बनाया है, तो ये दिखाने की बात नहीं है। मैं वहाँ वस्तुतः सही में रहता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। और अगर बाहरी की बात होती तब पर भी यहाँ के लोगों का दिल इतना बड़ा है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे सरदेव जॉर्ज साहब बिहार से बाहर के थे और जेल में रहते हुए यहाँ के लोगों ने अपार बहुमत से उनको जिताने का काम किया। तो काम कौन कर सकता है इस बात की बात यहाँ की जनता करती है, ना कि कहाँ के लोग। मेरा सवाल आपने जल्दीबाजी में बायोडाटा तैयार किया गया था, या अगर आप वहाँ पे रहते तो आपको पता रहता कि ये सकरा नहीं मुरौल है। पिलखी जो है वो सकरा प्रखंड में नहीं है, वो मुरौल प्रखंड में है, जबकि आपके बायोडाटा में उसको सकरा प्रखंड लिखा गया है। देखिए वहाँ मेरा रहना होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी होता है। अरे 2 लाख मतदाताओं ने आपको इससे पूर्व वोट किया था, उन्होंने तो 5 साल खुद को ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि आप उनसे फिर दोबारा मिलेंगे? नहीं, लगातार हम रहे बीच में, एक्चुअली बीच में 2 साल 2.5 साल तो 3 साल तो कोरोना खा गया। कोरोना में एक सम्मान, एक जो कोई भी सम्मानित नागरिक है उसका ये दायित्व तो है कि सरकार के नॉर्म्स को पालन करे, और हम लोग तो नॉर्म्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। उस समय लोगों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड था तो हम लोग उस समय मूवमेंट नहीं किए, उसके बाद से लगातार कोरोना के बाद से लगातार हैं हम, चमकी बुखार में आते रहे हैं बहुत बार। जब भी कोई समस्याएं हुई है उसमें हम बराबर मूवमेंट मेरा रहा है, और चूंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो एक इंड में आप जाएंगे तो दूसरे इंड के लोगों को पता ही नहीं चलेगा। आगे क्या आप को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 200% आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के, उसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, चूँकि लोग मोदी की गारंटी को समझते हैं और ये चुनाव यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का चुनाव है, ये भारत का भविष्य का चुनाव है। इसलिए मेरी जो कार्य योजना होगी मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना, चाहे वो पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या बेला इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्र हो, उसका डेवलपमेंट करना, मुजफ्फरपुर की तमाम जो समस्याएँ हैं उसका समाधान करना मेरा प्राथमिकता रहेगा। जो 10 वर्षों में नहीं हुआ उसको आप कर पाएंगे? देखिए ऐसा नहीं है कि 10 वर्षों में नहीं हुआ है, आप पुल आज भी है
IDPL बेला चालू नहीं हुआ, ठीक है। बेला औद्योगिक क्षेत्र जो है वो जो हर साल जल जमाव से जूझता है, उसका कोई निदान नहीं निकला। नई फैक्ट्रियाँ कोई बड़ा जो खुले वो मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में नहीं खुला है। अब चर्चा भी कीजिएगा तो वो मोतीपुर चीनी मिल की ज़मीन में वैशाली में खुला। तो मुजफ्फरपुर में तो बटलर था वो भी ख़त्म हो गया, दूरदर्शन था वो भी ख़त्म हो रहा है। मतलब जॉर्ज ने जो मुजफ्फरपुर को दिया वो तो मतलब हो रहा है, सारे फिर से जीर्णोद्धार होंगे और निश्चित रूप से आपको एक से दो साल में आपको डिफरेंस पता चलने लगेगा, अंतर पता लगने लगेगा कि ऐसा काम हो सकता था। और जहाँ तक हमारे पूर्व के सांसद महोदय का काम की बात है तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छा काम किया है। अभी जो है आप देख सकते हैं कि जो एक समय था जो यहाँ से पटना जाने में लगभग 4 से 5 घंटा समय लगता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी तो आज आप 1 से 1.5 घंटा में पटना पहुँच सकते हैं। तो विकास की धारा जो है कैपिटल टाउन से अब आपके डिस्ट्रिक्ट टाउन तक आया है, इससे आगे बढ़ाने की बात हो रही है, बढ़ रहा है। अभी 4 लेन आप कटरा की ओर जाकर देखिए, पुल पुलिया बन रहा है। तो जो 70 साल में विकास नहीं हुआ, मोदी जी का 10 साल और हमारे श्रद्धेय अटल जी का जो कालखंड रहा है, आप उसमें देखेंगे तो रोड के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ है आप कल्पना करिए। तो ऐसा कहना एकदम गलत होगा कि विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, उसकी रफ्तार को और हम बढ़ाएंगे और सही दिशा में विकास को लेकर के जाएंगे हम, ऐसा मैं आपको वचन देता हूँ। मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं का परिचय उनके प्रत्याशी से करवाया गया। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो बिहार के 17 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की गई थी, उसमें मुजफ्फरपुर से इस बार श्री राजभूषण चौधरी जी को यहाँ का उम्मीदवार हमारे नेतृत्व के द्वारा घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के निर्देशानुसार जब से इनकी घोषणा हुई है उम्मीदवारी की, पिछले 3 दिनों से ये लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, सभी लोगों से मुलाकात करने का, विधायक, हमारे पूर्व विधायक, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनसे ये घर जाकर मिलने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जिला के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ और मंडल अध्यक्ष और मंडल के प्रभारी और विधानसभा के प्रभारियों के साथ इनकी एक बैठक थी। इस बैठक में सभी ने इनकी उम्मीदवारी का स्वागत किया है और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में जाएंगे और जो पहले से मुजफ्फरपुर लोकसभा का परिणाम 4 लाख पार का था, इस बार 5 लाख पार के प्रण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस कार्यालय से अपने अपने क्षेत्र में गए हैं और आगे आने वाले दिनों में हम लोग बूथ स्तर तक के, हम अपने बूथ की कमेटी के साथ बैठक करने जा रहे हैं, अपनी मजबूती को और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, हम लोग संगठन के लिए 365 दिन काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव पर हम बूथ कमेटी का गठन और बूथ अध्यक्ष का गठन करते हैं, हमारा पूर्व से बूथ कमेटी भी गठित है, बूथ अध्यक्ष भी गठित है, शक्ति केंद्र पंचायत जिसको आप लोग जानते हैं वो सब गठित है, बस सबको क्रियान्वित कर देने का काम है। और निश्चित तौर पर आज के इस बैठक में हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे पूर्व विधायक सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और सभी लोग ने पूरे जोश के साथ यहाँ पर इनको आश्वस्त किया है कि आपकी जीत इस बार 5 लाख से अधिक की जीत होगी। और मैं भी जिला अध्यक्ष होने के नाते इनको आश्वस्त करता हूँ कि पूरी जिला जी जान लगा देगी इनकी जीत के लिए और जीत में कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नारा है कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार में मुजफ्फरपुर लोकसभा और वैशाली लोकसभा जो हमारा एक है, दोनों एक कड़ी होगा, उस कड़ी से हम लोग 400 पार करेंगे और इनकी जीत सुनिश्चित है, जीत होगी और भारी जीत होगी। जब मोदी की जो गारंटी कही जा रही है तो वो गारंटी कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में फेल हुई, इसलिए प्रत्याशी को बदला गया। ऐसी नहीं है, प्रत्याशी बदलना कोई ये नहीं कि फेल होने से ही प्रत्याशी बदला जाता है। हमारे पूर्व के प्रत्याशी को कोई बड़ी जवाबदेही, कोई बड़ी भूमिका में उनको उतारने की
हमारी पार्टी की योजना है, इसलिए इस स्थान पर इनको उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे जो सांसद हैं अभी वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं उनको पार्टी उनके लिए कोई बड़ी भूमिका तय करने जा रही है, इसलिए उम्मीदवार बदला गया है, न कि गारंटी। मोदी की गारंटी फेल होने वाली गारंटी नहीं है, अब तो गारंटी का ही मतलब होता है मोदी की गारंटी। पताही हवाई अड्डा शुरू नहीं हुआ, गारंटी तो उन्होंने हो जाएगा ना, पताही हवाई अड्डा आगे आने वाले दिनों में चालू होगा। जैसा कि जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी पहले यहाँ सरकार में नहीं थी, सरकार में नहीं होने के कारण राज्य सरकार को जो जमीन उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, इसलिए पता ही हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ था। आगे आने वाले दिनों में हमारे सांसद बनने के बाद हमारे सांसद महोदय का भी ये पहला काम होगा कि ये हवाई अड्डा के लिए होंगे, जमीन बिहार सरकार से। अब हम भी बिहार में सरकार में हैं, हमारा भी पहला ये होगा कि हम बिहार सरकार से लगकर हवाई अड्डा को जमीन उपलब्ध कराए ताकि यहाँ से नियमित उड़ान प्रारंभ हो सके। तो आपने सुना मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से नए सांसद के उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद ने क्या कुछ कहा। वही आपको बता दें कि शहर के विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज मुजफ्फरपुर के भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही साथ जो शहर के विभिन्न मुद्दों हैं उन पर चर्चाएं भी की और कैसे लोकसभा चुनाव में जो मोदी का इस बार जो मिशन है 400 पार उसमें कैसे मुजफ्फरपुर के दोनों लोकसभा सीट को जीत की सुनिश्चित करें इस पर को लेकर के जो है बातचीत भी की है। तो इस तरह के तमाम फोटो देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।